अगर आप लोग योनो लाइट SBI ऐप में एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपको एक बार भी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बैंक बैलेंस चेक करना हो, ATM कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, या फिर आपको किसी को पैसे भेजना हो, किसी से पैसे लेना हो, ठीक है ना, या फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलती है जिसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही सारा काम कर पाएंगे। आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको योनो लाइट SBI एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो लाइट SBI एप्लीकेशन को नए वर्जन में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ यह प्रोसेस बिल्कुल नया है, और जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपको यह प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप अपडेट करेंगे तो इस तरीके से पेज आएगा, और यहाँ पर आपको बोला जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ SBI। यानी कि सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना है जो आपने अपने SBI बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड कर रखा है। अगर आपके केस में एक से ज़्यादा सिम कार्ड इंसर्ट किया गया है आपके मोबाइल फ़ोन में तो फिर यहाँ पर दो सिम कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, या फिर तीन सिम कार्ड लगता है तो तीन सिम कार्ड का भी ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में एक ही सिम कार्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है SIM 1 और ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है ना। अगर आपके केस में दो सिम कार्ड है तो आप वही सिम कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको टिक लगा देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ करना है, और अलाउ करने के बाद एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है आपको, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पेज में यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ चुका है, और नीचे में आप देख रहे होंगे सबमिट के जस्ट नीचे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा। वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी SBI इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर रखा है। अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा पूरी तरह से, उसके बाद आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वही यूजर नेम वही पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट कर रखा है। तो इस बॉक्स में यूजर नेम डालिए, इस बॉक्स में पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताया गया है इंटरनेट बैंकिंग का और टर्म्स एंड कंडीशन मोबाइल बैंकिंग का। अगर आप लोग इस पर क्लिक करके रीड करना चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से बटन दिखेगा एक्सेप्ट का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यूजर नेम दिख जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड आएगा, तो यहाँ पर आप एक्टिवेशन कोड डाल दीजिए। एक तरह से आप इसको OTP भी कह सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन कोड ही बेटर इसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रिसेंट एक्टिवेशन कोड। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, और एक्टिवेशन आपका प्रोग्रेस में है, और देखिए यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल आपको दिखा दिया जाएगा। अब आपको ओके कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बोला जाएगा फिंगरप्रिंट इनेबल करने के लिए, अगर आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर इनेबल नाउ पर क्लिक करना है फिंगरप्रिंट को ऐड करने के लिए। यहाँ पर आप मैक्सिमम 6 करेक्टर का कोई भी की डाल दीजिए। प्लीज इंटर एन अल्फा न्यूमेरिक की फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, दिस इज फॉर वन टाइम यूजेज एंड विल नॉट बी आस्क्ड लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक कीवर्ड डाल दीजिए, जैसे कि अल्फा मतलब कि अल्फाबेट होना चाहिए और नंबर दोनों मिक्स होना चाहिए। कीवर्ड डालने के बाद आपको इनेबल फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपना फिंगर ऐड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर डाल दीजिए OTP, और OTP डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर जो है आपका फिंगरप्रिंट सही तरीके से रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, और मैसेज भी आपको आ जाएगा। अब आपको ओके कर देना है।
ओके करने के बाद देखिए अब आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी योनो लाइट एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं और इजी पिन यानी कि एम पिन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और यूजर नेम पासवर्ड डाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने के लिए सिंपल फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद इस बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना फिंगर ऐड कर देना है। बस इतना ही करना है, आप योनो लाइट एसबीआई में आसानी पूर्वक लॉगिन कर पाएंगे और बहुत सारी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरीके से अब आपको ओके कर देना है। यहाँ से आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ सिर्फ फिंगरप्रिंट के थ्रू ही कर पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्लियर तो कर दिया कि इस तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार अगर आप योनो लाइट एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको आई हैव ए न्यू कस्टमर ऐसा करके ऑप्शन आएगा या फिर न्यू यूजर ऐसा करके ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। उसके जस्ट नीचे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ठीक है ना, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह का राइट लेना चाहते हैं। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ पर आप फुल ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा। और हाँ, आपके पास ATM कार्ड होना अनिवार्य है, तभी आप लोग योनो लाइट SBI में या फिर यू कहिए SBI इंटरनेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ब्रांच विजिट करना होगा, ठीक है ना। इस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इस तरीके से आप योनो लाइट SBI ऐप में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग योनो लाइट SBI एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने का कम्प्लीट प्रोसेस सीख गए होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और इस वीडियो को देखने के बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।